नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। पता ही नहीं चल रहा है कि वो चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे, आरजेडी से लड़ेंगे या फिर इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसको लेकर अभी बातें नहीं हुई है, लेकिन पवन सिंह ने कह दिया है कि चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव पवन सिंह लड़ने वाले हैं और अब डिसाइड होगा कि भाई कौन से पार्टी से लड़ेंगे। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा चाहे पार्टी कोई और हो। तो समझिए कि भाजपा से किस तरीके का रिश्ता है। अनबन तो ऐसा कुछ जरूर है जो कि वो चाहते हैं, वो सीट भाजपा नहीं देना चाहती है। लेकिन इस कड़ी में बड़ी खबर जो एक सामने आ रही थी, बड़ी खबर ये थी कि सारण लोकसभा सीट, जो कि बिहार का एक सीट है जो कि पहले छपरा हुआ करता था, अब सारण लोकसभा सीट पर पवन सिंह को लेकर चर्चा होने लगी है। और खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि पवन सिंह को सारण लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। हालांकि सारण जो है वो भोजपुरिया क्षेत्र है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जिनका नाम राजीव प्रताप रूडी है, जो कि एक पायलट भी हैं। उनका जो जॉब भी पायलट में करते हैं, पायलट जो जहाज है उसको उड़ाते हैं और एविएशन सेक्टर में उनकी नौकरी है। इसके साथ साथ वो लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज नेता को चुनावी मैदान में हरा चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजीव प्रताप रूडी का भी जो राजनीतिक क्षमता है वो कितना ज़बरदस्त तरीके का है। और राजीव प्रताप रूडी भी अभी यंग हैं, डेसिंग हैं और दो दो दफ़ा वो कहीं ना कहीं सारण लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में जीते हैं और लालू प्रसाद यादव जैसे जैसे दिग्गज नेता को हरा दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट कैसे काट सकती है, ये तो सोचने वाली ही बात है। लेकिन चर्चाएं चल रही है, पवन सिंह भी पावर स्टार हैं, भोजपुरी के सुपर स्टार हैं, तो उनके नाम की भी चर्चाएं हो रही है। हालांकि ये चर्चा कितना सही होता है ये बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी सारण लोकसभा सीट से पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारेगी? और अगर उतारती है तो क्या वो जीत पाएंगे, इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।